हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। शायद हमने क्वेश्चन नंबर 36 तक हम डिस्कस कर चुके थे, उसके बाद वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, आगे का क्वेश्चन डिस्कशन नहीं हो पाया था। जो 36 क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो आपको ए है। ठीक है, आगे डिस्कस करता हूँ। ए है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? 37 क्या है, क्योंकि उससे पता नहीं, कुछ वॉइस में कुछ रिकॉर्डिंग हुई थी पहले वीडियो में, शायद 15 मिनट तक या 16 मिनट तक वॉइस रिकॉर्ड में आया था। तो ये प्राइवेट मेंबर बिल से क्वेश्चन था, बोला कि ये इंट्रोडक्शन ऑफ द हाउस रिक्वायर्ड 7 डेज भी नोटिस, नहीं 7 डेज नहीं है, 14 डेज है। कितना है ये? 14 डेज है। इट इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय द मेंबर ऑफ हु इज नॉट मिनिस्टर। बात सही है। द एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वेट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज एप्लीकेबल टू द प्राइवेट मेंबर बिल पास बाय द पार्लियामेंट। बात सही है। तो इसका नंबर 213, तो बिफोर बॉम्बई और बिफोर बेबी। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। आगे क्या है? आगे इसने पूछा कि नॉट लैप्सबल कौन सा जो बिल है वो लैप्स नहीं हो पाएगा। बिल पास बाय द बोथ द हाउस ऑफ द हाउसेज बस पेंडिंग इन द पेंडिंग एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बिल जो है लैप्स नहीं होगा। बिल पास बाय द लोकसभा। हाँ देखिए, लोकसभा जब पास कर दिया और वो पेंडिंग है राज्यसभा में, तो ये बिल लैप्स हो जाएगा। किस कंडीशन में? जब लोकसभा जब डिजॉल्व हो गया है। ठीक है, तो बिल पेंडिंग है राज्यसभा बट नॉट पास बाय द लोकसभा, तो ये बिल्डिंग जो है, ये जो बिल है पेंडिंग, ये लैप्स नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 1 एंड 3 हो जाएगा। C4 कैट और C4 कोलकाता। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड नहीं होगा। आगे बढ़ता हूँ। सोन सिंह कमेटी से रिकमेंडेशन था, उसने क्या क्या रिकमेंडेशन उसने सजेस्ट किया था, हालांकि एक बहुत ही उल्टा क्वेश्चन भी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सजेशंस मेड बाय द सोन सिंह कमेटी टू बी इंक्लूडेड एज द फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, कौन कौन सा ऐड हुआ है? देख पा रहे हैं आप, कास्टिंग वोट जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, तो आपने तीसरा एलिमेंट कर दिया। फैमिली प्लानिंग भी नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। A4 एप्पल। ड्यूटी टू पे टैक्स, ये बात भी नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन असल में ये क्वेश्चन वो नहीं है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सजेशन मेड बाय द सोन सिंह कमेटी टू बी इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, उसने क्या क्या सजेशन मेड किया था? उसने तो ये बात तो कहा था कि आपको टैक्स पे करना है, कास्टिंग वोट का भी उसने कहा था। ठीक है, अब फैमिली प्लानिंग, इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये थोड़ा डाउट में क्वेश्चन रहेगा मैं इसका। हालांकि इसका आंसर आपको ज़्यादातर चांस है इसका आंसर डी जाएगा। ठीक है, बाकी मैं फिर भी एक दफा इसको मैं क्रॉस चेक कर लूँगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है इसमें? ये आपको प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड था कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर का है? हैज द फुल डिस्क्रिप्शन इन द चॉइस ऑफ द पर्सन हु आर टू सर्व एज ए मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट। बात बिल्कुल सही है। तो इसका क्या C4 कैट और C4 कोलकाता। आगे बढ़ता हूँ। ये आर्टिकल 224 से पूछा था, उसने कहा कि क्वेश्चन में कि देर इज ए ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेज इन कोलकाता हाई कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट इशूड डायरेक्शन टू द चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट टू इन्वॉल्व आर्टिकल 224A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसने पूछा कि आर्टिकल 224 के तहत वो क्या करेगा? कोलकाता हाई कोर्ट के जो CJI हैं वो कुछ नहीं करेंगे, वो CJI ऑफ द कोलकाता हाई कोर्ट कैन रिक्वेस्ट रिटायर्ड जज ऑफ एनी हाई कोर्ट टू एक्ट एज जज ऑफ द कोलकाता हाई कोर्ट। इसका अंदर क्या हो जाएगा? B4 बॉम्बई और B4 बेबी। आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है यहाँ पे? क्या है जो आपको पोलिटिकल पार्टी, उसको नेशनल पार्टी कैसे उसको रिकगनाइज करता है? ये NCERT में बहुत अच्छे से मेंशन है। इफ ए पोलिटिकल पार्टी इज रिकगनाइज एज स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट, की बात बिल्कुल सही है। If a political party wins 2% of the seats in the Lok Sabha at a general election and winning candidate of the party are elected from the 3 state, ये बात बिल्कुल सही है। 3rd statement रॉन्ग है। इसका अंदर क्या हो जाएगा? 1 एंड 2। तो B4 बॉम्बे और B4 बेबी। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है फटाफट भाई डिस्कस कर लो। अगला क्वेश्चन स्टेट लेजिस्लेचर था, द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली फिक्स 500 और 60 रिस्पेक्टिवली। बात बिल्कुल सही है। डेड लॉक अगर बिटवीन टू हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर ओवर द पासेज ऑफ द बिल इज रिजॉल्व थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। भाई स्टेट लेजिस्लेटर में ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखेंगे। ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द लेजिस्लेटर फ्रॉम द 40 डेज एंड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द 40 डेज आफ्टर द सेशन ऑफ द नो मेंबर में बी अरेस्टेड फॉर द सिविल केसेस ओनली। सिर्फ सिविल केसेस में आप कर सकते हो, लेकिन बाकी और किसी केसेस में आप नहीं कर सकते हो, इस चीज़ को आप याद रखना। इसका अंदर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3 A4 एप्पल और A4 एप्पल। आगे बढ़ता हूँ। इसने पूछा कि ऑर्डिनेंस में की पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है? एन ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमल्गेटेड इवन व्हेन ओनली वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज सेशन। जब दोनों हाउस सेशन में ना हो तब ऑर्डिनेंस लाते हैं। आप मुझे बताएं कॉमन सेशन में कि प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस में की पावर कौन से आर्टिकल में आता है? एन ऑर्डिनेंस नॉट अप्रूव बाय द पार्लियामेंट सीज टू ऑपरेट आफ्टर 6 वीक फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही है। इसका आंसर B4 बॉम्बे और B4 दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का क्वेश्चन था, इस पर मैं थोड़ा टाइम लूंगा अभी, इसको थोड़ा रिकंसिडर करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 46 का क्या हो जाएगा? 46 ये 352 था, द प्रेसिडेंट नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर द रिवोकेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी। बात सही है। द स्टेट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट
स्टेट लेजिस्लेचर इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, बात गलत है ये, आपको प्रेसिडेंशियल में हो सकता है लेकिन नेशनल इमरजेंसी में कैसे हो जाएगा, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी बाई स्टेट की कोई गलती थोड़ा ना है। और इस यहाँ पर आप क्वेश्चन आपको है जाकर इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में है, ठीक है, ये भी थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा रीचेक करना पड़ेगा कैसे आपको हो सकता है ये। यहाँ पूछा इसमें से कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, यहाँ पर इसने लोइस के बारे में पूछा है, ये भी थोड़ा सा एक आपको डाउट वाला क्वेश्चन रहेगा, मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको जाकर के है ये जेंडर पैरिटी इंडेक्स है, अंदर यूनिट आपको यूनिस्को हो जाएगा बिफोर बम्बई और बिफोर बेबी। अब ये हिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर ईरान लिखा हुआ है लेकिन कुछ कुछ रिपोर्ट में अफगानिस्तान भी है, तो इसको ऑफिस से जाकर चेक करना पड़ेगा। वैसे इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो या तो 1 सी होगा या तो डी होगा, ज़्यादा चांस में मुझे लग रहा है कि डी ही होना चाहिए, बाकी सी भी हो सकता है, इसको थोड़ा सा ईरान थोड़ा चेक करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों इतना ही था आज के लिए, बाकी आपको कुछ अगर आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता सकते हैं, जो जो क्वेश्चन डाउट वाला है, और मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन अगर मैं अगर रॉन्ग बता दिया हूँ तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपने रॉन्ग बताया है। तो दोस्तों आज के इतना ही, अगर वीडियो पसंद हो तो आपसे लाइक से सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके टेक केयर एंड बाय बाय। जो भी वीडियो जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है मैं जल्द से उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ओके टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद हुआ तो आपसे लाइक से सब्सक्राइब कर देना, मैं दो बार बोल चुका हूँ, और सेट का अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा, और आपको डिमांड रही तो ये हज कमेटी का, ठीक है दोस्तों, ओके टेक केयर एंड बाय बाय।